आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। पूर्व सरकार के लिए ये क्या बोल गए प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान। सब्जियों के दामों में जमकर गिरावट, खरीदारी को उमड़ी भीड़। नशा तस्कर अब नहीं बचेंगे, पुलिस की ये तरकीब आ रही काम। नववर्ष मेले के लिए सज गया माँ का दरबार। यहाँ हुए वॉलीबॉल और कबड्डी के मुकाबले, 42 टीमें दिखाएंगी दमखम। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पूर्व भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा, पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश का खजाना खाली कर दिया था, इसलिए अब कांग्रेस सरकार को प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया था और 915 संस्थान बिना किसी बजट के खोल दिए, इससे प्रदेश व अन्य लोगों का बुरा हाल हुआ। चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं कि किस तरह प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम कर रही है, इससे पूर्व सोलन पहुँचने पर उनका कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। सारी लाइबिलिटीज खड़े की खड़ी है, एक रुपया नहीं देंगे, ऊपर से 915 इंस्टीट्यूट खोल दिया। भाई ऐसे चलाई जाती सरकार, आप तो चला के साइड में हो गए, प्रदेश के लोगों का तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आपने बिना सोचे समझे फैसले किए कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, तो ये सारी चीजें भुगतनी पड़ रही है, इसको ठीक करने के प्रयास हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारी भाई से मिलते भी हैं सरकार से, मुख्यमंत्री से, उनको पता है। मुख्यमंत्री जी ने अपील किया कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बिल्कुल देंगे और अपनी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए तो आपका जो देनदारी है उसको हम देना शुरू करेंगे, ये कमिटमेंट है। और हमने दिया, ओल्ड पेंशन देने वाली सरकार बनना कोई आसान काम नहीं है, पूरे देश में हमारी सरकार बनी है जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू भी कर दी है, और यही लोग 3 साल लगातार हजारों की संख्या में जयराम जी से मिलते रहे, घेराव करते रहे धर्मशाला में, शिमला में विधानसभा का, इनकी किसी ने बात नहीं सुनी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कमिटमेंट की, कांग्रेस पार्टी ने अपने कमिटमेंट को पूरा किया और हम अभी भी सरकार के भी हित में, एम्प्लॉइज के हित में काम करती है, आगे भी करेंगे। किसान जनता मंडी में लगातार सब्जियों के दामों में गिरावट जारी है, इस बार भी दामों में 10 रुपए की गिरावट देखी गई, जिससे लोगों की भारी भीड़ बढ़ रही है। वहीं भीड़ देखकर सब्जी विक्रेताओं के चेहरे भी खिलने लगे हैं। सस्ती सब्जी के लिए लोग मंडी लगते ही दस्तक देने लगते हैं, साथ ही आसपास के क्षेत्रों से भी लोग भारी मात्रा में आते हैं। हालांकि सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि मटर सूखी ठंड की वजह से ग्रोथ नहीं कर रहा है, वहीं लहसुन का भी यही हाल है। सुनिए क्या कहते हैं सब्जी विक्रेता। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से सतवीर सिंह के साथ प्रदीप भाटिया की रिपोर्ट। नमस्कार जी, मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं मेरा गाँव से बिलोंग करता हूँ और हम लोग खेतों में दाली सब्जी लगाई, जैसे कि मटर है, गोभी है, प्याज है, लहसुन है, धनिया है, मेथी है, मूली है, सरसों है, साग है और हरा धनिया है। तो बारिश नहीं हो रही है सारी, जैसे कि तो फसलों को बहुत नुकसान है और पानी भी नहीं है, हम लोग तो लिट्टी लाई पर फिर पानी की दिक्कत आ रही है बहुत। आपका नाम? काफी नुकसान हो रहा है, पौधा नहीं चल रहा, फूल कोई मतलब फसल खराब होने की संभावना है, इस बात को क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा तो फसल खराब हो जाएगी, प्रॉपर से ही नहीं मिलेगा, नमी नहीं है और पाड़ा पड़ा पाड़े के पर फिर बड़ा खराब होगा, खतरा है। आजकल क्या लगाया है खेतों? आजकल कुछ पालक लगाया, मटर लगाया, अभी ये लगाया, आगे तो टमाटर मिर्च वगैरह लगे हमारे। तो मटर पे पाले का कितना प्रभाव पड़ रहा है? पाले का प्रभाव है बहुत, नहीं हो रही पानी के वजह से, ऊपर नमी नमी नहीं मिल रही ना, जिसकी वजह से ठंड ज़्यादा हो रहा है, रुक रहा है। आज साग है, मूली और गोभी, आलू, टमाटर, घर का साग है। खेतों में तो लहसुन है,
साग लगा हुआ है और मूली लगी हुई है और मटर तैयारी हो रही है। नुकसान तो होगा, नुकसान तो होता ही है क्योंकि अब बारिश हो ही नहीं रही, भगवान का पानी का तो कुछ और ही मजा आता है ना जी। जिला पुलिस नूरपुर के चक्रव्यूह में माफिया लगातार फंसता जा रहा है। जिला पुलिस नूरपुर ने डमटाल में नशा माफिया से चिट्टा बरामद करने में सफलता हासिल की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला पुलिस ने शनिवार को देर सांय डमटाल में सुखदेव उर्फ नानकू पुत्र गुरदयाल निवासी डमटाल के घर में दबिश देकर 6.84 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पुलिस ने इस संदर्भ में सुखदेव उर्फ नानकू के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एसपी नूरपुर अशोक रथ ने कहा, आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में 10 केस दर्ज हैं। उन्होंने कहा, आरोपी को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता श्री चिंतपूर्णी के दरबार में नववर्ष मेले का शुभारंभ रविवार को किया गया। माता के दरबार में प्रतिवर्ष 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नववर्ष को लेकर मेले का आयोजन किया जाता है। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के पावन पिंडी के दर्शन करने के लिए चिंतपूर्णी पहुँचते हैं। डीसी राघव शर्मा की अगुवाई में मंदिर न्यास द्वारा श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाओं का प्रबंध किया गया है। वहीं पुजारी वर्ग ने भी माता के इस पावन नववर्ष मेले की श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए माता की विधिवत पूजा अर्चना करवाई। नववर्ष मेले के लिए मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। माँ के सभी भक्तों को सर्वप्रथम नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 31 दिसंबर है और आज इस वर्ष 2023 वर्ष का अंतिम दिन है और मंदिर प्रशासन ने नववर्ष का मेला घोषित किया है जो कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को होगा। माँ के सभी भक्तों को इस नव वर्ष में बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हर वर्ष नव वर्ष पर मंदिर को हमारे श्रद्धालुओं द्वारा, प्रशासन द्वारा विभिन्न विभिन्न फूलों के साथ मंदिर को देशी विदेशी फूलों के साथ माँ को सजाया जाता है और आज जो कि साल का अंतिम दिन है, मैं माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि माँ जो आने वाला वर्ष 2024 है, माँ के सभी भक्तों के जीवन में हर्ष उल्लास आए और इस वर्ष नए वर्ष में माँ के चरणों में हम विनती करते हैं कि हमारे देश प्रदेश में कुछ खुशहाली आए, धन धान्य से समृद्धि हो। आज मंदिर में इतनी भीड़ है कि लोगों की श्रद्धा देखने लायक बनती है। सभी भक्तों को एक बार पुनः नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। बिलासपुर जिला की कोल डैम परियोजना क्षेत्र में बसे गांव नहर हरनोड़ा में अंकेश ठाकुर सेकंड मेमोरियल वॉलीबॉल और कबड्डी टूर्नामेंट शुरू हो गया, जिसका शुभारंभ कृषि विभाग से सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश चंद ठाकुर ने किया। टूर्नामेंट के आयोजक कोल वैली एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन सुलेख चंद राणा ने मुख्य अतिथि और खिलाड़ियों का स्वागत किया। इस टूर्नामेंट में कबड्डी की 28 और वॉलीबॉल की 14 टीमें भाग ले रही हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रकाश चंद ठाकुर ने कहा कि खेलने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और विचारों में भी स्पष्टता आती है। युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी ध्यान देना चाहिए। खेलों से खिलाड़ियों में धैर्य और संयम विकसित होता है जो उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने और उन पर विजय पाने में मदद करता है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित किया। इस मेमोरियल टूर्नामेंट यहाँ ग्राम हरनोड़ा में श्री सुलेख चंद राणा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें वॉलीबॉल की जूनियर वर्ग की 14 टीमें और कबड्डी की 28 टीमें भाग ले रही हैं जो जिला बिलासपुर, सोलन, मंडी, शिमला की टीमें यहाँ भाग ले रही हैं और आगामी 2 दिनों के लिए सीनियर वर्ग की कबड्डी और वॉलीबॉल की टीमें भी यहाँ आमंत्रित की गई है, जिनमें HRTC इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट मंडी और स्पोर्ट्स साई हॉस्टल बिलासपुर, वल्टी, तो कई तरह की कई प्रकार की जो सीनियर टीमें हैं इसमें कल यहाँ पे भाग लेंगे। खेल एक ऐसी क्रिया है जो युवा वर्ग के लिए स्वास्थ्य के साथ साथ एक साउंड माइंड का भी निर्माण करता है, जिससे
युवा का, व्यक्ति का शारीरिक विकास, मानसिक विकास उत्पन्न होता है और एक परस्पर भाईचारे की भावना का विकास होता है। मैं तो युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि आप खेल को अपनाएं और नशा उनके नज़दीक नहीं आएगा। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी।